हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम कॉर्नर। हियर आई एम अपलोडिंग अ वीडियो फॉर यू ऑल। द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ सिक्स स्टैंडर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट 1.4, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। सो लेट्स सी व्हाट डज दिस चैप्टर सेज अबाउट चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। मतलब इसका है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल के लिए निकल रहे हैं, स्कूल के टाइम पे जाते समय व्हेन दे गोज टू स्कूल व्हाट द सिचुएशन एंड द अदर नेचर ऑफ लिविंग एक्सप्रेस अबाउट। So let's see by reading. Here morning light spreads over the earth. Once again the sky bows his head in respect, for children are going to school. तो इसमें morning light spreads over the earth का meaning क्या है? I am writing over here the meanings too in simple English words. The lines which are written in the poetic form will get into the simple English form written by me to you all. तो यहाँ पे morning light spreads over the earth का मतलब क्या है? Sunlight spreads on the earth. Now, once again the sky bows his head in respect. Bows his head का मतलब क्या है? Lean on, lean down. मतलब झुक जाता है उनके रेस्पेक्ट के लिए कि वो चिल्ड्रन पढ़ने के लिए इतने लगन के साथ स्कूल जा रहे हैं। So this extract says about that the nature of nature, natural things are respecting those children who are going to school. इसमें फ्रॉम फॉर चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल का लाइन जो है वो रिपीटिंग है। इफ सम क्वेश्चंस कम टू यू, यू कैन राइट दैट। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द नेक्स्ट वन। द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डिप इन द रिवर, ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बन, वेट्स एंड स्माइल्स ऑन वन साइड ऑफ द रोड, फॉर चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल। तो अभी इसमें सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डिप इन द रिवर का मतलब क्या है? व्हेन सन सेट्स, ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बन। अभी मसलिन, गोल्डन मसलिन टर्बन का मतलब क्या है? कॉस्ट्यूम लाइक मसलिन्स। मसलिन्स का मतलब क्या है? कॉटन फैब्रिक होता है, वो कॉस्ट्यूम होता है जो गोल्डन कलर का पहन के सन सेट होता है। और उसमें लिखा गया है सन के बारे में, वेट्स एंड स्माइल्स ऑन वन साइड ऑफ द रोड। मतलब एक जगह से वो होता है, ईस्ट एंड वेस्ट तो पता होगा ना, सनसेट कहाँ से होता है, सनराइज कहाँ से होता है, उसी के बारे में दिया है। नेक्स्ट द एक्सट्रैक्टर्स, ब्रिजेस सिंग देयर सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग्स, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स अवेकन द स्लीपी रोड्स विद देयर मेलोडीज, थ्रू द ग्रीन टॉप्ड ब्रांचेस ब्रीजेस सिंग देयर सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग्स, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स अवेकन द स्लीपी रोड्स विद देयर मेलोडीज। अब फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है कि सम लीव्स ऑन ब्रांचेस, ग्रीन टॉप्ड ब्रांचेस मतलब क्या, जो ब्रांचेस जिसमें छोटे छोटे लीव्स अभी जमे हुए हैं, हल्की फुल्की ही उसमें लीव्स हैं। फ्रेग्रेंट फ्लावर्स मतलब जो महकती फ्लावर्स है वो उठाती है उन रोड्स को जो स्लीपी है, अवेकन मीन्स अराइज, उनको जगाती है रोड्स को अपनी सुगंध से, विद देयर मेलोडीज मतलब थोड़े बहुत ट्यून्स से। एट द कॉर्नर ऑफ द लेन द पीपल इन हिज लश डीप फॉयलेज वेव्स हिज हैंड्स। पीपल मीन्स बनियान ट्री, बनियान ट्री तो आपको पता है ना कितना बड़ा होता है वो, लार्ज विद इट्स ब्रांचेस एंड रूट्स, द लीव्स इज ऑल्सो लार्ज एज द ट्री इज। तो उसमें वही बोला है वेव्स हिज हैंड्स। अभी यहाँ पे हैंड्स का मतलब क्या है? उसकी ब्रांचेस। डीप फॉयलेज मीन्स लीव्स जो होते हैं वही, जो ग्रीन बुश एरियाज है उन ट्रीज का वही है। नाउ एंजल्स ऑफ लाइट हैव सेट आउट, एवरी रोड इज अ ग्लीम, एट दिस आवर एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ थ्रॉब्स लाइक अ मदर्स हार्ट, टाइम सेटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ, फ्लाइज पिजन्स इन द स्काई, फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। एंजल्स ऑफ लाइट का मतलब क्या है? जो सनशाइन होती है बर्ड्स, या फिर जो सनशाइन होती है उसकी, सन की, वो अभी सेट आउट हो रहे हैं। एवरी रोड इज अ ग्लीम मतलब पूरा रोड चमक उठा है, अभी उसकी चमक जाने वाली है। एट दिस अवर एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ थ्रॉब्स लाइक अ मदर्स हार्ट, मतलब इस समय जब सनसेट हो रहा होता है, अर्थ के हर एक बूंद में या फिर हर एक चीज़ में, हर एक सब्सटेंस में एक ऐसी चीज़ का चमक होता है जिससे पता चलता है कि मदर्स हार्ट है। तो आपको मैं इस पोएम से यही बताना चाहूँगी, चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल का मतलब सिर्फ यही है कि दो चिल्ड्रंस विच आर गोइंग टू स्कूल और इन द एज ऑफ गोइंग टू स्कूल, दे शुड बी गिवन द राइट्स टू गो टू स्कूल, नॉट लेट देम टू डू द वर्क्स एट होम और एट एनी अदर प्लेसेस। मैंने यहाँ पे सारे मीनिंग्स भी लिखे हैं जिससे आपको सिंपल इंग्लिश समझ में आती होगी, इफ़ यू वॉन्ट सो।
अगर आपको और भी कुछ इसमें हेल्प आउट चाहिए या फिर हिंदी में मीनिंग चाहिए, यू कैन कमेंट राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. यू कैन सी ओवर हियर चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल, दिस इज रिटन और ट्रांसलेटेड फ्रॉम बैच, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट किया गया है, इस बुक में पब्लिश किया है फिर बाद में. आपको इसके अलावा मैं और भी वीडियोज़ अपलोड करने वाली हूँ, सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. स्टे होम.